ऐसे क्यों देख रहे? कहीं हमने सच तो नहीं बोल दिया? तुमने सारा सच तो बोल दिया है। देखना चाहोगी? पुलिस में देने से पहले दिखाई देते हैं। कैसा मकसद? क्या मकसद? क्या तुम्हारा? हमारा मकसद इस परिवार के तीन लोगों से जुड़ा है। 5 साल पहले जो कहानी शुरू हुई थी, आज उस कहानी को पूरा करने का मौका मिला है हमें। क्या तुमने बोला कि जानी थी? क्या बताओ रूपा, रूपा जवाब दो। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं, क्या तुमने भोला को मारा है? कैमरे में देखकर बोलो कि तुमने भोला को मारा है या नहीं। जवाब दो रूपा, जवाब दो। चलो मान लिया कि भोला को तुमने नहीं मारा, लेकिन तुम्हारा मकसद क्या है? कौन है वो तीन लोग और 5 साल पहले की कहानी क्या है? शक करते रहते हो, क्या चाहते हो तुम? मकसद है इसीलिए आए हैं। खाली तो बैठे नीचे कि मुंह उठाए और तुम्हारे घर बिना मतलब के बिना किसी काम के चले आए। वही तो पूछ रहा हूं कि मकसद क्या है तुम्हारा? बस भी करो देव, रूपा बेगुनाह ये साबित हो चुका है। बेकार में बिचारी को परेशान करना बंद करो। नहीं चाचा जी, मेरा जानना जरूरी है कि कौन थे वो तीन लोग जिनकी ये बात कर रही है। कौन था वो तीन लोग? तुम, तुम्हारी बेटी बुलबुल और तुम्हारी होने वाली बीवी मोहिनी। क्या? हाँ, इन्हीं तीन लोगों के लिए आए हैं। तुम्हारी शादी करवाने आए हैं मोहिनी से, और बुलबुल तुम्हारी बेटी है, यानी कि तुम तीन लोग। यही मकसद है हमारा कि तुम तीनों की खुशी का ध्यान रखें। तुम्हारी और मोहिनी की कहानी 5 साल पहले शुरू हुई थी ना, तो उसी कहानी को अंजाम देने यानी तुम लोगों की शादी करवाने के लिए आए हैं। ये मकसद है हमारा और यही हमारा काम। अब हो गई तसल्ली? अरे का दे बेटा, तुम ये रूपा पे खामखा इल्जाम लगाए जा रहे हो। अरे इसने कुछ नहीं किया, तू बेकसूर है। जा बेटा, मुंह हाथ धो ले, जा। चल देव, हमें भोला के लिए शांति पूजा पूरी करनी है।
भोला को मारने हम गए थे, लेकिन उसकी सजा तो स्वयं भोलेनाथ ने तय की थी। हमने कुछ नहीं किया, हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मोहिनी को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। हाँ नहीं जीजी, रूपा ने भोला को नहीं मारा, पक्की बात है। ठीक है, लेकिन मुझे तो यकीन तब तक नहीं आएगा जब तक मैं भारू को खुद अपनी आंखों से पत्थर बनाना देख लूं। इतनी आसानी से कैसे छोड़ूंगी तुझे भारू? पारो तो पत्थर बनी हुई है, मैं बेकार ही शक कर रही थी। हे भोलेनाथ, मोहिनी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे, मदद कीजिए। अब मुझे यकीन हो गया कि भोला का कातिल रूपा नहीं है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, जड़ी बूटी ने अपना काम कर दिया, उसने सच उगलवा दिया। जंगल में मैं भी देखकर आ चुकी हूँ, रूपा वारो नहीं है। बहुत गलत कर रही हो तुम, बिना किसी वजह के तुमने मुझे कैद करके रखा है। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे हाथ खोलो, जाने दो मुझे यहाँ से। मजबूर हैं हम, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हमें वो करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम रूपा नहीं पारो हैं। ये सच्चाई किसी भी कीमत पर बाहर नहीं बाजेंगे।
कहां थी तुम? वो हम फिर से झूठ। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गए हैं रूपा। बाहर ताजी हवा खाने गई थी तुम, क्योंकि तुम बहुत परेशान थे। इतने इल्जाम जो लगाए हमने तुम पर, हाँ तुमने ठीक समझा, हम बाहर ही गए थे, अभी अपने कमरे में जा रहे हैं। जानते हैं हाथ पकड़ा हमने तुम्हारा, क्योंकि जरूरी बात करनी है तुमसे। देव, देव हाथ छोड़ो हमारा, हाथ छोड़ो देव, क्या कर रहे हो? सच बोलने की कोशिश। देव पांडे जिंदगी में पहली बार किसी को सॉरी बोल रहा है। क्या माने तुम हमसे सॉरी बोल रहे हो? तुम जानते हो पहले दिन से ही तुम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, क्योंकि तुम वो सारी हरकतें करती हो जो एक लड़की को नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है मेरी बीवी ठीक तुम्हारी तरह थी, याद दिलाती हो तो मेरे अंदर का दर्द जगा देता है तुम्हारा चेहरा। भोला की मौत का इल्जाम हमें तुम पे नहीं लगाना चाहिए था, तो उसके लिए इतना सच तो हम जिंदगी में नहीं बोल पाते होश में, इसलिए वो उस जड़ी बूटी का सहारा लिया हमने। रियली रियली सॉरी। देव, देव
केक क्या? केक? ये क्या है? आंसू? आंसू तो नहीं। ये आंसू क्यों? बुलबुल की आंखों में आंसू क्यों? आखिर बात क्या है? ये पेंटिंग कल बुलबुल का जन्मदिन है। अरे वाह, बुलबुल का जन्मदिन, फिर तो जश्न होगा। पता नहीं, ये दिन सिर्फ कड़वाहट लेकर आया है बुलबुल की जिंदगी में। जी, हम कुछ समझे नहीं। इस बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। पैदा होते ही इसकी माँ गुजर गई और देव ने आज तक इसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया, ना ही इसे प्यार दिया है। हाँ, अपनी जिम्मेदारी निभाता है वो। पिता होने का हर फर्ज पूरा करता है, इच्छाएं पूरी करता है। कहीं ना कहीं उसके मन में अपनी पहली बीवी खोने का दर्द बसा है और इसीलिए उसने आज तक बुलबुल का जन्मदिन नहीं मनाया। पर इस सब में बुलबुल की तो कोई गलती नहीं। न जाने मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हो। लेप लेकर आए हैं आपके लिए, लीजिए, लगा लीजिए। तू जानती नहीं है इस चुड़ैल को कि तेरे साथ क्या कर सकती है। रूपा घर वालों को बताएगी कि मोहिनी एक चुड़ैल है। तुझसे पहले भी एक आई थी, आज पत्थर की बनी हुई है। उनकी मौत को लोग जन्म जन्म तक याद रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ देव की शादी करवाने आए हैं ना, अगर बुलबुल का जन्मदिन भी हम मनाएंगे, वो भी धूमधाम से। लेकर आए हैं आपके लिए, लीजिए, लगा लीजिए। तू जानती नहीं है इस चुड़ैल को कि तेरे साथ क्या कर सकती है। रूपा घर वालों को बताएगी कि मोहिनी एक चुड़ैल है। तुझसे पहले भी एक आई थी, आज पत्थर की बनी हुई है। उनकी मौत को लोग जन्म जन्म तक याद रखेंगे। अच्छा हुआ जो देविका जी ने हमें बता दिया कि बुलबुल को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अब उसके जन्मदिन की शुरुआत मीठे मीठे गाजर के हलवे से होगी और फिर शाम को पार्टी। Thank you.
रूपा बिटिया, ये हाथ में कटोरा लिए कहां भटक रही है? हम रूपा नहीं पारो हैं, ये सच्चाई किसी भी कीमत पर बाहर नहीं होनी चाहिए। वो दादाजी, आज बुलबुल का जन्मदिन है ना, तो हम उसके लिए गाजर का हलवा लेके जा रहे हैं। वैसे रात को कहां गई थी? रूपा आंटी ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। वो कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारा मन बहुत घबरा रहा था, तो इसलिए हम बाहर गए थे ताजी हवा लेने। मेरी ड्राइंग को कुछ मत करो चुड़ैल आंटी। लेप लेकर आए हैं आपके लिए, लीजिए लगा लीजिए। तू जानती नहीं है इस चुड़ैल को कि तेरे साथ क्या कर सकती है। रूपा घर वालों को बताएगी कि मोहिनी एक चुड़ैल है। तुझसे पहले भी एक आई थी, आज पत्थर की बनी हुई है। उनकी मौत को लोग जन्म जन्म तक याद रखेंगे। लेप लेकर आए हैं आपके लिए, लीजिए लगा लीजिए। तू जानती नहीं है इस चुड़ैल को कि तेरे साथ क्या कर सकती है। रूपा घर वालों को बताएगी कि मोहिनी एक चुड़ैल है। तुझसे पहले भी एक आई थी, आज पत्थर की बनी हुई है। उनकी मौत को लोग जन्म जन्म तक याद रखेंगे।